जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडित को टारगेट किया है। आतंकियों ने कल शोपियान में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। कल देर शाम पूरन कृष्ण भट्ट का शव उनके घर जम्मू पहुंचा तो घर वालों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। आज सुबह 10 बजे पूरन भट्ट का अंतिम संस्कार होगा। यूपी के अमरोहा में आईएमआईएम का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। गाजियाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष परवेश पासा ने अपनी ही पार्टी के महानगर अध्यक्ष पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में मनमोहन झा गामा बाल बाल बचे। गोली एक शख्स को लगी थी। गामा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के पीलीभीत में मदरसे के नाम पर चंदा नहीं देने पर एक शख्स को लहूलुहान कर दिया गया। रियाजुद्दीन नाम के एक शख्स ने मौलाना को मदरसे के नाम पर चंदा नहीं दिया, जिसके बाद उसने रियाजुद्दीन के घर पर हमला बोल दिया, घर में आग लगा दी और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस पर कल हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत से ठीक पहले का वीडियो सामने आया, जिस वक्त कंटेनर से बीएमडब्ल्यू टकराई थी। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड थी। जो कार में थे वो सभी जानते थे कि आगे क्या हो सकता है, बावजूद इसके उन लोगों ने स्पीड कम नहीं की थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में महज 27 सेकंड में 2 मंजिला इमारत ढहकर गंगा नदी में समा गई। गंगा नदी में उफान की वजह से किनारे बसे इलाकों के मकान खतरे में आ गए हैं। गंगा इन दिनों अपने रौद्र रूप में है और यूपी से लेकर बंगाल तक कहर बरपा रही है। यूपी के देवरिया में बारिश के बाद रापी नदी में बाढ़ से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बरहज के महम गांव में बांध टूट जाने से पूरे गांव में पानी भर गया। लोग रोड के ऊपर अपने सामान को रखकर रहने के लिए मजबूर है। प्रशासन ने लोगों को जल्द मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया। हरियाणा के झज्जर में महिला सिपाहियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला थाने में 2 पक्ष विवाद के एक मामले में पहुंचे थे। इसी दौरान एक पक्ष ने मौजूद पुलिस वालों के साथ मारपीट की, जिसमें कई महिला सिपाही घायल हो गई। पुलिस ने मामले में 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मिजोरम पुलिस को तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। चंफाई आबकारी विभाग और नारकोटिक्स विभाग ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 30 कछुए 22 अजगर 55 मगरमच्छ समेत कुल 140 विदेशी जानवरों एवं पक्षियों को बरामद किया। इन जानवरों को म्यांमार से तस्करी करके लाया गया था। यूपी के अमरोहा में रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि रोडवेज बस की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से हादसा हुआ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक सोसाइटी में गार्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना 10 अक्टूबर की है, जब विंडसर पैराडाइज सोसाइटी के गेट पर गार्ड ने अनजान शख्स को अंदर जाने से रोक दिया। गार्ड पर वो शख्स भड़क गया, उसके साथ मारपीट की। गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के बरेली में नशे की हालत में सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो में इस सब इंस्पेक्टर पर एक शख्स ने पैसे मांगने का आरोप लगाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।